जेके 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजम्मल बेटर। अभी हम मरन पुलवामा में मौजूद है, जहां पे आज पंडित बरादरी की जानिब से यहां पे हवन किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो आपको दिखाए जो यहां पे वो हवन हो रहा है, वो आपको दिखाए कि बहुत अरसे के बाद यहाँ पे जो हवन है वो यहाँ पे चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि पूरी पंडित बरादरी के साथ साथ जितने भी मुस्लिम्स हैं वो इस हवन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूजा पाठ जो है वो यहाँ पे हो रहा है। और आपको लाइव तस्वीरों में हम ये अमरन पुलवामा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि इनका जब हमने पंडित बरादरी से बात की तो उनका यही कहना था कि यहाँ की मुस्लिम बरादरी ने पूरा इंतजाम करके रखा था और उन्होंने हमारे खाने पीने रहने का हर कोई चीज का इंतजाम किया था। और अगर देखा जाए जो यहाँ पे जो गाने वाले हो या बाकी हो वो भी हमारे भजन यहाँ पे जो मुस्लिम बरादरी है वही गार कर रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे मुरन पुलवामा की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे आज ये जो हवन है वो यहाँ पे हो रहा है। आप देख रहे हैं कि लाइव तस्वीरों में जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपको मैं लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, जिस तरीके से अगर देखा जाए ये पुलवामा मरन का इलाका है जहाँ पे ये जो हवन है वो यहाँ पे हो रहा है। और बड़ी देर के बाद ये जो हवन है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि जो पंडित बरादरी है वो यहाँ पे आई हुई है और उनका यही कहना था कि जो मुस्लिम्स है उन्होंने बड़ा यहाँ पे कॉपरेट किया और उन्होंने हर किसी इंतजाम का ख्याल रखा और हर कोई इंतजाम मुस्लिम बरादरी ने नहीं किया। उनका ये भी कहना था कि जितने भी जो पंडित बरादरी है आधे जो पंडित बरादरी है वो मुस्लिमों के घर में बैठी है और वहीं उनका खा जो नहाना धोना हो
वो अखान टीम है वो वहीं पे करके यहाँ पे आए हवन में। आपको बताना चाहेंगे कि लाइव तस्वीरें हम मोरन पुलवामा से आपको दिखा रहे हैं। सर जो आज यहाँ पे जो हवन हो रहा है इस हवाले से आप बताइए। ये आज हम अभिनंदन कर रहा हूँ, मेरा नाम कालीनाथ पंडिता है। आज हम इस मुरन में माता प्रेरमा जी का जन्म दिन मना रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे इंतजाम हुए हैं बहुत टाइम के बाद आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो कैसे यहाँ पे मैं कहूँगा एक बार सबसे पहले जो यहाँ के लोग हमारी बहुत ही अच्छी देखभाल की, उनकी अवस्था बहुत अच्छी है, उनके हर एक सुविधा हमें दे के उसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे वो पुलवामा के एडमिनिस्ट्रेशन चाहे हमें हो, शिक्षा के लिए ट्रिमेंडस सपोर्ट है। पुलवामा की यूनिवर्सिटी है, सी एम ओ है, उनके यहाँ बहुत ही मुख्यमंत्री शाम में आना और मीडिया का जो यहाँ पर आ गई, उन्होंने यहाँ पर ये नोटिस दे दिए। तो क्या कहना चाहेंगे बाकी बिरादरी के लिए? कहना चाहेंगे कि जो शादी का माहौल है जो नबी से पहले था वो वापस आना चाहिए। ये हमारी इनर जो माँ जो नई जनरेशन यहाँ पे है उनने कैसा स्वागत किया? नई जनरेशन तो हमसे अच्छी है, हमारा घर है, हमारा घर यहाँ पर मेरे बेटी का बेटा यहाँ पर आया था वो देख कर बहुत ही भाव विभोर हो गया और ये भी कहा कि ये मकान छेड़ा करते हैं, ये मकान ऐसे का ऐसा है, उनके सपना चले ये नहीं हमारा एक ही है, उनके सपना समझने की बात है की ये कश्मीर है, ये बुरा है, ये मेरा घर। तो मुसलमान कम्युनिटी ने कितना आपका ख्याल रखा यहाँ पर? हम ऐसे के संबंध में उनका जिस तरह से उन्होंने हमारा ख्याल रखा, ख्याल रखना बहुत बढ़िया साथ दिया, हर एक इस तरह मकान खुलकर रख दिया हमारे लिए, जो भी व्यवस्था करनी आती उसका सबसे ज्यादा मुरन के विषय।